Xiaomi ने फाइनली रिलीज कर दिया है MIUI 9 का 9.5.14.0 वर्जन Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आज मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन टेस्ट करने के बाद मैं कुछ आपको उसके फीचर्स के बारे में और बैटरी बैकअप के बारे में बताऊंगा कि कैस के प्रोस एंड कॉन्स हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये रोम कैसा है, आपको इसको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और अपडेट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्यों होता क्या है, कई बार लोग स्किप करके देखते हैं कि भैया डाटा खत्म हो रहा है हमारा, उसको जल्दी स्किप करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो मेन पॉइंट होता है जो मैं बोलता हूँ वो आप उसको स्किप कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि मैं आपको क्या समझाना पा रहा था। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके एक बार कि हमने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है। अबाउट फोन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 है ये, ठीक है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो लेटेस्ट है ये अभी, ठीक है। MIUI वर्जन जो है 9.5.14.0 का है, जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही रिलीज़ किया गया है। 29th को बोला गया था रिलीज़ करने को, मगर 28th को ही रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब मैं इसके कुछ आपको बता देता हूँ कि किन किन लोगों को ये अपडेट मिला है और कैसे मिलेगा। देखिए, जो OTA अपडेट्स है वो काफ़ी सारे लोगों को आ चुका है जो 9.5.13 के ऊपर थे। बेसिकली ये जो अपडेट है ये उन लोगों के लिए है जो अब तक नॉगट के रोम के ऊपर फंसे हुए थे, यानी कि जैसे कि आप 9.2 के ऊपर रोम के ऊपर थे, तो अब आपके पास नॉगट का रोम था। जो एंड्रॉयड 8.10 है वो ओरियो पर रन करता है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। उनके लिए जो अपडेट साइज़ होगा वो अराउंड 1 GB के आसपास की फाइल होगी, और जो पहले से 9.5.13 थे उनको जो OTA अपडेट है वो 89 या 90 MB के आसपास मिलेगा। दोनों फाइलों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, फुल रोम का भी और OTA अपडेट का भी। OTA अपडेट जो है आप वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी 9.5.13.0 पर रन कर रहे थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, OTA अपडेट की जो फाइल है सिर्फ वही लोग यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी 9.5.13.0 पर रन कर रहे थे। मैंने लिंक के आगे लिख दिया है OTA लिंक और फुल रोम के आगे लिख दिया है फुल रोम लिंक साइज़ के साथ। जो फुल रोम जो है वो लोग यूज़ करेंगे जो 9.5.13 के ऊपर नहीं थे, जो उसके पुराने वर्जन के ऊपर थे नॉगट के ऊपर। तो अब मैं इसको कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। 9.5.13 वालों को तो मोस्टली ये फीचर्स पता होंगे, बट उनको मैं बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें इसके अंदर फिक्स की गई हैं। देखिए, बैटरी बैकअप जो था 9.5.13 में थोड़े से प्रॉब्लम आ रही थी, बैटरी देर से चार्ज हो रही थी, उसको फिक्स किया गया है, बैटरी बैकअप को इम्प्रूव किया गया है। और साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है आपका, जिसमें लॉक स्क्रीन में आप लगाते हैं, उसको काफ़ी एक्टिव कर दिया गया है, यानी काफ़ी अब वो पहले से बढ़िया हो गया। पहले जैसे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा लैग करता था, थोड़ा स्लो था, वैसा कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए, अभी आपके सामने सेटअप करके देखिए, जल्दी जल्दी ये चीज़ों को ट्रैक करेगा और फिंगरप्रिंट जो है बहुत जल्दी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए, हमने विद इन सेकंड्स के अंदर अपने जो फिंगरप्रिंट इसके अंदर स्कैन कर लिया है। तो ये तो हो गई फिंगरप्रिंट की बात, ठीक है। साथ ही साथ जो कैमरे में छोटे मोटे बग्स थे, कह रहे थे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फोकस में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, वो सारे के सारे चीज़ें ठीक कर दी गई हैं। हाँ, अभी भी आपको बोलता हूँ, इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे की वीडियो के सेटिंग्स में जाके, 4K रिकॉर्डिंग अभी भी आपको नहीं मिली है इसके अंदर, फुल HD ही मिला है बस। 4K रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं मिली है। पोर्ट्रेट मोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसमें जूम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है फ़ोन के अंदर। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो नॉगट यूज़र्स हैं, जो नॉगट फ़ोन से अभी रिसेंटली इस रोम पे आएंगे, जो अपडेट करेंगे, उनको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें जिसमें दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको फुल स्क्रीन जो जेस्चर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में। आप यहाँ से क्या है, इसको जो नेविगेशन बटन्स होते हैं आपको उनको हाइड कर सकते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर्स पर जाके, और जो जेस्चर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनको एक बड़ा फ़ायदा है। और साथ ही साथ जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हुई है पहले से, बैटरी बैकअप अच्छा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलती है नॉगट पे, आपको ये फीचर्स नहीं मिलते थे फुल स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह। और साथ ही साथ आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, अगर आप नॉगट से पहली बार इस रोम पे आएंगे ओरियो के ऊपर, तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपको उसके अंदर ड्यूल 4G का सपोर्ट मिलता है, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ड्यूल 4G आप उसको है, उसको इनेबल करना है और आपके जो दोनों वोल्ट के सिम है वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। और कोई भी जब भी आपको चेंज करना हो उनको सेटिंग्स को, इंटरनेट को इधर उधर स्वैप करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद इन सेकंड जो होता है वो स्वैप हो जाता है और दोनों तरफ कनेक्शन चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कॉल करने पे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, जो 9.5.13 के ऊपर यूज़र थे
और ड्यूल 4G को यूज़ कर रहे थे, उनका कहना था कि वोल्ट फीचर ढंग से काम नहीं कर रहा है, बार बार कनेक्शन टूट रहा है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो उनके लिए इस अपडेट में ये फ़ायदा है कि ये चीज़ है इसके अंदर फिक्स कर दी गई है 9.5.14.0 वर्जन के लिए। ये ऑफिशियल बिल्ड है, ये कोई लीक दिया बेटा बिल्ड नहीं है, ये स्टेबल बिल्ड है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार अबाउट फोन में जाके, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने आपको बेटा बिल्ड बोल दिया है। ये देखिए साफ साफ लिखा है MIUI 9.5 स्टेबल 9.5.14। मैं थोड़ा क्लोज आके दिखाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से। ये देखिए साफ लिखा है ग्लोबल 9.5 स्टेबल 9.14। तो इस अपडेट को आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आप 9.5.13.0 पे तो OTA लिंक को डाउनलोड करेंगे, और आप किसी और वर्जन पे तो फुल रोम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का जिप फाइल को सेव कर लेना है, सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाके आपके जो ऊपर तीन डॉट हैं इन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है चूज अपडेट पैकेज, इसको सेलेक्ट करेंगे। फाइल मैनेजर खोल के जो आपने जिप फाइल सेव की थी उसको यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेना, जैसे कोई भी जिप फाइल हो, जैसे यहाँ पे हमने रखी हुई है, ये देखिए नीचे 9.5.14 की हमने ऐसे ही अपडेट किया है, 9.13 पे थे हम लोग, हम 9.14 पे ऐसे ही इसी तरीके से आए हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। दोनों लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, फुल रोम का भी और OTA लिंक का। कैमरा अच्छा हो गया है, फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले होता है जिसमें आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिलते हैं आईफोन टाइप के, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।